आज हम ट्रिटोनाइन क्रीम के बारे में बात करेंगे कि ट्रिटोनाइन जो क्रीम है वो क्या है, इसको किस किस काम में यूज़ लिया जाता है, इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए एवं इसको यूज़ करते समय क्या क्या हमें सावधानी रखना चाहिए, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। ये जो ट्रिटोनाइन क्रीम होती है, ये विटामिन ए क्रीम होती है। हमारे स्किन में दो लेयर होती है, एक एपिडर्मिस ऊपर वाली और जो नीचे वाली होती है वो डर्मिस। जो ट्रिटोनाइन क्रीम होती है ये दोनों हिस्सों में काम करती है, एपिडर्मिस में भी और डर्मिस में भी। हमारे स्किन में जो सेल्स होते हैं केराटोसाइट, जो एक दूसरे को चिपकने नहीं देते या कम चिपकने देते हैं, जिसके कारण या तो जो हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं या फिर पिंपल्स एक्ने होते हैं, उनको जल्दी ठीक करने में ये मदद करती है। चलिए बात करते हैं कि जो ट्रिटोनाइन क्रीम होती है वो किन किन कामों में अपन यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा यूज़ है इसका एक्ने पिंपल्स में। सबसे ज़्यादा अगर यूज़ की जाती है ट्रिटोनाइन जो क्रीम होती है वो सबसे ज़्यादा एक्ने पिंपल्स में यूज़ की जाती है। और यदि आपको ब्लैक हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स में भी काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, यूज़ यहाँ पर ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, यहाँ पर बन जाते हैं वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो बन जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और इसका इतना अच्छा रिजल्ट है ब्लैक हेड्स वाइट के लिए कि ये मतलब एक दो हफ्तों में ये धीरे धीरे सबको निकाल देती है और बिल्कुल स्किन ऐसी सॉफ्ट स्किन हो जाती है इससे। तो आप ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के भी लिए आप ट्रिटोनाइन क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मतलब चेहरे पर यहाँ पर निशान हो जाते हैं, काले काले निशान हो जाते हैं या इस साइड हो जाते हैं, नाक पे हो जाते हैं या फिर इस साइड में हो जाते हैं, कहीं पर भी चेहरे पर आजू बाजू जो पिगमेंटेशन के निशान हो जाते हैं काले काले, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा यूज़ है। आपको कहीं पर झुर्रियों, चेहरे पर जो झुर्रियाँ हो जाती हैं, झुर्रियों में आप इसका यूज़ कर सकते हो। झुर्रियों में भी आपका इसका जो रिंकल्स वगैरह होते हैं उसमें भी इसका बहुत अच्छा यूज़। यदि किसी तरह के स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, चेहरे पर जो निशान हो जाते हैं पिंपल्स एक्ने के बाद में, पिंपल्स जो काले निशान छोड़ देते हैं, उनमें भी इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा यूज है। चेचक के बाद में जो निशान हो जाते हैं या फिर जो हल्के हल्के गड्ढे पड़ जाते हैं उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, उसमें भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। तो इस तरह से आप जो आपको स्किन से संबंधित इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं और डॉक्टर इसके लिए एडवाइस भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है तो इसके लिए आपको स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, निशान, काले निशान जो चेहरे पर बन जाते हैं उसमें ज़्यादा ज़्यादा डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो एक्ने पिंपल्स के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, वाइट हेड्स के लिए। तो डॉक्टर की एडवाइस से आप इनमें से जो आपको प्रॉब्लम है उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना है मत को, क्योंकि बिना डॉक्टर की एडवाइस से आप ये ट्रिटोनाइन क्रीम का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। चलिए बात कर लेते हैं कि जो ट्रिटोनाइन क्रीम है वो किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से लगाना है हमारे लिए। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो ट्रिटोनाइन क्रीम है वो आप स्टार्ट किस रेंज से करना है। आपको जो 0.25 होती है सबसे पहले वो लगाएं, और यदि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है ना तो उसके बाद में ही आप 0.5 का यूज़ करें या फिर 1 का यूज़ करें। तो जो धीरे 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 बढ़ना है अपन को, डायरेक्ट है ना अपन को 5 या फिर 1 का यूज़ नहीं करना है। तो जब भी आप रात में इसका यूज़ करना है, जब भी आप लगाएं, तो अगर आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए यूज़ करना है तो जो बिल्कुल थोड़ी सी लेना है आपको, बिल्कुल चने के जो दाना होता है ना उससे भी आधी लेना है। और यदि आपको पूरा फेस पे लगाना है तो कम से कम एक चने का दाना होता है ना उस बार आप उसकी उतनी क्वांटिटी में ही लें, ताकि आपको जो जो चेहरा है पूरे पे आ जाएगा और दिखना नहीं चाहिए। क्रीम ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा लगा ली तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे, इस कारण से आपको थोड़ी लगाना है। और सबसे पहले जब पहले दिन आप जब लगाएं ना तो उसको आधे घंटे के लिए लगाएं रात में, और फिर आधे घंटे बाद उसको धो लें। फिर दूसरे दिन लगाना है तो आपको 45 मिनट के लिए लगाना है, उसके बाद में धो लें। फिर आपको एक घंटे लगाना है, फिर आपको दो घंटे, ऐसे करके आपको 4-6 दिन बाद, एक हफ्ते बाद आप पूरी रात के लिए लगाकर छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आप ज़्यादा क्रीम का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा समय तक स्टार्टिंग में लगाएंगी, तो हो सकता है आपको किसी तरह की सेंसिटिव होने लगे, आपको खुजली की प्रॉब्लम
होने लगे या रेडनेस की प्रॉब्लम होने लगे, तो ट्रेटिनाइन क्रीम यूज़ करते समय हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए। यदि आप ट्रेटिनाइन क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो आप सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करें, ये दो दो तीन तीन घंटे के अंतराल से हमें सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करना है। यदि आपको आपकी ड्राई स्किन हो रही है, ट्रेटिनाइन यूज़ करते समय आपकी स्किन में खिंचाव हो रहा है, तो आप मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है उसका यूज़ करें। आप हर 6 घंटे के अंदर आप मॉइस्चराइज़ क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप ट्रेटिनाइन क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई अदर क्रीम यूज़ नहीं करना है, आपको कोई भी क्रीम का यूज़ नहीं करना है। अगर यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में भी आपको इस क्रीम का यूज़ नहीं करना है। यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं बच्चे के लिए, तब भी आप इस क्रीम का यूज़ नहीं करना है। यदि आपको इस क्रीम का यूज़ करने से पहले ट्रेटिनाइन क्रीम का यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें, एंटीसेप्टिक सोप से हाथ धो लें या फिर हैंड वॉश से हाथ धो लें, ताकि आपको जो हाथ में जो बैक्टीरिया लगे हुए हैं वो आपके पिंपल्स में जाकर ना लगें और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसके कारण। तो उस कारण से भी आप ट्रेटिनाइन क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर आपको 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें यूज़ नहीं करना है, केवल बड़ों के 12 साल से ऊपर के व्यक्तियों को ही इस क्रीम का यूज़ करना है। यदि आपको क्रीम लगाते समय किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, इचिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर रेडनेस की प्रॉब्लम होती है या फिर किसी तरह की आपको खिंचाव होता है, तो आप इस क्रीम का यूज़ करना बंद कर दें और फिर एक बार डॉक्टर से सलाह से ही यूज़ करें। और यदि आपको प्रॉब्लम रहती है, इचिंग की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है, तो आप केवल हफ्ते में एक या दो बार इस क्रीम का यूज़ करें और क्वांटिटी और भी कम कर लें और धीरे धीरे उस क्वांटिटी को बढ़ाएं, ताकि आपको स्किन से संबंधित कोई और प्रॉब्लम ना हो। वैसे ही तो आपको पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण आप लगा रहे हैं और फिर और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम बढ़ती है तो और ज़्यादा दिमाग पर टेंशन होती है। तो इस तरह से आप जो ट्रेटिनाइन क्रीम है उसको यूज़ कर सकते हैं, सावधानियाँ रख सकते हैं और तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपको, यूज़ करने से पहले आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह ले लें, आपका फिर कोई फैमिली डॉक्टर है या फिर कोई जिस डॉक्टर को आप दिखाते हैं उससे एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें, ताकि आपको और इस क्रीम को समझने में आसानी मिल जाए। यदि इस ट्रेटिनाइन क्रीम के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके दोस्तों में, मिलने वालों में, आपके रिश्तेदारों में, ताकि इस ट्रेटिनाइन के क्रीम के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।